Obrigado. फरा साहबा जो है उसके बाद मजीद दो तीन चीजों को उन्होंने खुद खान साहब ने पहले से अपने खान साहब समझ में प्रियम्प्ट कर दूँ ना लोगों को मैं कोई चीज समझा दूंगा ना तो लोग समझ जाते हैं कोई एहतजा नहीं होगा कोई बात नहीं होगी मैं उनको चार्म कर सकता इमरान खान साहब जो है, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अभी मौजूदा वाइफ है यानी पिछड़ा बीबी उनकी दोस्त फराह खान ये जो बेटी आपको नजर आ रही है एक चार्ट प्लेन में ये जी दुबई भाग गई है नौ दो ग्यारह हो गई है और इनका एक बैग आपको नजर आ रहा होगा इनके पाओं के पास एक बैग रखा हुआ है और उस बैग की कीमत है नाइन्टी थाउजेंड डॉलर जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना नाइनटी थाउजेंड डॉलर का ये पता नहीं लेकिन फिर भी आ, भागने की तो यकीनन इमरान खान कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप जब करप्शन के केसेस खुलेंगे तो उनको कोई बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना जैसी करोगे वैसी भरोगे वाली बात है तो जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया अब वही उनकी बारी आ तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं लेकिन अब उनके जो कारनामे थे वो दुनिया के सामने आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये कारनामे अभी क्यों आ रहे हैं इसके पीछे भी एक वजह है तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाइफ थी उन्होंने अपनी छत्र छाया में अच्छे खासे घोटाले करवाए हैं जिन्होंने मतलब ऐसे घोटाले करवाए हैं

रुपए जो है वो लिए जाते थे एक एक काम करवाने के और उसमें ये फराह खान के अलावा इनकी दोस्त और इमरान खान साहब की मौजूदा यानी जो भी करंट वाइफ है बुशरा बीबी उनका हाथ होता था और जाहिर है कि पैसे जो है वो आपस में बांट लेते होंगे कुछ इसी तरह का कोई डील होगी तो ये जनाब को पैसे वैसे बनाकर और उसके बाद यहाँ से गई है भाग अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी आ, मेरी बीवी के बारे में बात ना की जाए और उनकी दोस्त के बारे में बात ना की जाए क्योंकि ये लोग पॉलिटिशन नहीं है तो इसलिए इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो इनके ऊपर बात ना की जाए इनको ना बत, इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो इमरान खान साहब आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या ये पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन ये चोर हैं और अगर कोई चोरी करेगा और अगर कोई भी किसी भी तरीके से मुल्क का पैसा खाएगा करप्शन करेगा तो उसके बारे में बात होगी मीडिया भी बात करेगा आम लोग भी बात करेंगे और जो इदारे हैं जिन, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए वो इनको पकड़ेंगे भी पहले ही कई लोगों ने कहा था जिसमें कि नूर आलम खान ने भी कहा था कि कई लोग जो अगली सीट पे बैठे उनके बारे में भी कहा था और बाकी लोगों के लिए भी जो कि इमरान खान साहब के साथ साथ रहे हैं कि उनके नाम ई में डाल दिए जाएं और ताकि वो लोग बाहर ना जा सकें, मुख से भाग ना सके लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के काफी सारे लोग जो उनके दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे नजर आते थे वो अः मुल्क से बाहर भाग चुके हैं पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और उन्हीं में से एक नाम फराह खान का भी है और हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनको दोबारा से गवर्नमेंट या तो बनाने का मौका मिल जाए या फिर उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे कि खान साहब भाग सके बिल्कुल ये खान साहब जैसे आपको नजर आ रहे दीवार के उधर छलांग मारते हुए इसी तरह की कोई चीज वो और अपने वो बुशरा बीबी के लिए भी वो चाह रहे हैं कि मुर्गे मुर्गे जलाने की भी न्यूज आई थी कहाँ तक सही है पता नहीं लेकिन फिर भी आ, भागने की तो यकीनन इमरान खान कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अब जब करप्शन के, के केसेस खुलेंगे तो उनको कोई बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना जैसी करोगे वैसी भरोगे वाली बात है तो जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया अब वही उनकी बारी आ गई है और उनके साथ वही कुछ होने के लिए जा रहा है मगर हम साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जी जो गवर्नमेंट के लिए कभी भी डिसीजन आ सकता है कई लोगों से कहा गया है कि जी आप बताइए कि बता वापस में अपोजिशन और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि जो एक थोड़े दिन के लिए जो सेटअप बनेगा उसके अंदर किसको आना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर और किसको सदर या किसको क्या लेकिन ये चीज हम आपको दो दिन बाद बता सकेंगे जब सही पिक्चर सामने आएगी लेकिन साथ साथ हम आपको फिलहाल ये न्यूज भी बता दें यहाँ पे भी यही लिखा है जी खातून अव्वल की दोस्त फराह खान दुबई चली गई जो हमने आपको बताया ही था कि फराह खान जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से दौड़ गई हैं और भाग के वो चली गई हैं दुबई अब उनका ये ख्याल है कि जी दुबई में उनकी कोई बचत हो जाएगी इमरान खान साहब हमें हंसते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ये हंसी जो है ये कितने दिन की है ये तो खान साहब खुद ही बना वो तो आते आके आती रहेंगी क्योंकि वो बिलियंस में है जो यहाँ पे काम होते हैं वो बड़े काम हुए हैं इनकी जो आगे दस्ताने आना शुरू हो गए फराह साहब का नाम अब नहीं आ रहा इमरान खान साहब की थोड़ा लोगों को मैं मैं उनको वो कर दूं थोड़ी सी उनको याददारी करा दूं इमरान खान साहब की जो तीसरी शादी हुई थी बुशरा बीबी से वो फ़रा साहबा के घर पर हुई थी ये इनके इनके आई विटनेस भी थे पिक्चर्स भी हैं सारी ये चीजें जो है ना उन्होंने उनके के भी और खान साहब की उस वक्त ये रिपोर्टें गर्दिश होना शुरू हो गई थी वजी पंजाब जो है ये इन्होंने गुजर साहब जो हैं वो उनके दोस्त थे या जानने वाले थे या ये जो है फरा साहबा हैं ये उनको जानते थे उस्मान बुजदार खान साहब जिंदगी में कभी नहीं मिले थे इनकी पहली मुलाकात उस वक्त बनी गाल में जब इनको बताया गया कि वजी सारी वजीर आला बनाना है इमरान खान साहब की पहली मुलाकात वो जानते नहीं थे ये ग्रुप जाता ये जानता था सारे का सारा ये फरा साहबा हूँ एहसन जमील गुजर हूँ साथ में साहब जहर एह बशर साहब हूँ वो भी जानती होंगी सो so, उनकी रिकमेंडेशन थी नो इट्स ओपन सीक्रेट ये कौन सी ऐसी मत चीज़ उन्होंने छुपाई है या नहीं रात आमिर साहब कह नहीं रहे थे कि पहले जो उन्होंने दो तीन दिन बाद यहाँ पूरी ब्यूरोसी खड़ा दी थी उन्होंने पूरे सहीवाल के आर पी ओ और उसके बाद डी पी ओ पाग पत्तन और थाने शाने मोते के पीछे उन्होंने किए थे इसी वजह से करवाने वाले एहसन जमील गुजर साहब थे जो इंक्वायरी कर रहे थे शारे कमाल सदीकी की और इनकी इनके रिजवान गोंदल की वहाँ पे ये उन्होंने आके आपको यादव वजी अल हाउस में बुला कर की थी सो डे वन से ये लोग पावरफुल थे और डे वन से ये लोग चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे अब तक ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जनाब कि आपकी अगर आपने ट्रांसफर करवाना है पोस्टिंग करवानी है किसी को आगे पीछे करना है कोई ठेके शहके लेने हैं तो इन लोगों से रबता करें सबको पता था एवरीबॉडी न्यू दैट कि ये लोग हैं ये हैंडलर हैं ये हैंडल करते हैं और यही बैठ के बातें करते होते हैं सारी लास्ट ईयर हमने अब इनसे गलती हुई वही बात कि आप क्या आप जीवाल तो आना होता है ये अभी बहुत सारे लोग उनको भूल के होगा कि ये सेनेट की उम्मीदवार भी थी कवरिंग कैंडिडेट थी ये इमरान खान साहब इसी फरा साहबा को जिनका वो कह रहे थे कि इनको आपने कुछ कहना नहीं है कि वो बहुत वो हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हुए इनको सेनेट में वो ला रहे थे यहां पे वो सेनेटर बना रहे थे लास्ट ईयर ये कवरिंग कैंडिडेट थी अब उनसे गलती हो गई

हमने इनका कच्चा चट्टा खोला था सारे का सारा इनकी उस वक्त की जो पाकिस्तानी असेसमेंट है वो पाकिस्तान करोड़ रुपए की इनकी जदाद निकली थी पाकिस्तान में सत्तर करोड़ की सिर्फ पाकिस्तान में में साथ दुबई में इनकी इनकी प्रॉपर्टीज निकली थी ये उस वक्त की बता रहा हूँ अब एक साल में कहा से कहा पहुंच चुकी हैं मुझे नहीं पता क्या है या नहीं है उनका क्लाउड देखें कि एक यहाँ से आम खतून है घरेलू होंगी सपोज नहीं बिजनेसमैन फैमिली से होगी मियाँ उनका प्रॉपर्टी डीलर है तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आप देख रहे थे रॉप क्लासरा का वीडियो रॉप क्लासरा को बारे में मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान के बहुत ही मतलब एक बहुत ही सेन वॉइस है बहुत है, रेयर वॉइस है जो कि अच्छी बातें करते हैं काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं तो रॉक क्लासरा के साथ भी ऐसा कुछ सीन रिपीट हुआ अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट जाके देखेंगे उस पर एक पिन ट्वीट है इमरान खान इसको ऑब्वियसली एज मतलब धमकी दे रहे हैं एक स्पीच के दौरान रॉक क्लासरा के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने थे तब से लेकर इनको कई टीवी चैनल से निकाला गया ये एक दो साल के लिए ऑफ एयर भी रहे अब इमरान खान बाहर हुए हैं तो अब इनका जो पूरा काला चिट्ठा है आप देख सकते हो अब निकल के सामने आएगा क्योंकि इमरान खान के रहते हुए ऐसी करप्शन केसेस निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि इनका फिर काम खत्म हो जाता है क्लासरा का तो ये जो करप्शन हुआ है ये इमरान खान की शादी कराने वाली एक महिला है मतलब इमरान खान की शादी कराई थी जो तीसरी शादी हुई थी वो महिला है वो अब अच्छा खासा घोटाला करके दुबई निकल चुकी है और उसका हस्बैंड यूएस निकल चुका है तो आप समझ सकते हो अब इमरान खान के साथ और ऐसे कुछ केस निकलेंगे और इमरान खान के साथ मुझे ऐसा कुछ रिपीट होते हुए लगता है कि जैसा नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था वैसे ही उस इमरान खान के साथ रिपीट होगा और नवाज़ शरीफ अभी यू में है वहाँ से वापस आएंगे और कुछ उनका ग्रैंड रिसेप्शन होगा मतलब वापस आते ही उनको ऐसा बहुत बड़ा लीडर दिखाया जाएगा और इमरान खान आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में अब आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होंगे क्योंकि अब अगर दूसरी गवर्नमेंट बनती है अपोजिशन की तो वो ज़्यादा जाद ज़्यादा सौ दिन अस्सी दिन की बनेगी तो उससे अच्छा इलेक्शन ही होंगे ऐसा कुछ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें